आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की। AIPL का ये प्रोजेक्ट है, लोकेशन है सेक्टर 88, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जो है 150 मीटर वाइड, उस कॉरिडोर से इसकी डायरेक्ट एक्सेस होगी। 10.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसमें डेवलपर प्योर रिटेल इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। एक प्रॉपर रिटेल प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर आपके रिटेल शॉप्स होंगे, फूड कोर्ट्स होंगे, मल्टीप्लेक्स होगा और बढ़िया आपके रेस्टोरेंट्स होंगे। अगर आज के सिनेरियो की बात करूं तो आप लोग कहोगे कि यार जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मार्केट में बन के खड़े हैं, ऑलमोस्ट 80% कमर्शियल प्रोजेक्ट्स खाली पड़े हैं। दुकानों में धूल लगी पड़ी है, लोग मेंटेनेंस भरे जा रहे हैं और उनको रेंटल इनकम जो बताई गई थी, ब्रोकर्स ने बताई थी या डेवलपर्स ने उनको बताई थी कि इस तरह का एप्रिसिएशन होगा, इस तरह के ब्रांड्स आएंगे, उस प्रॉपर्टी के अंदर वो चीज़ें कुछ भी नहीं हुई। तो आज की सिनेरियो में जहां पर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट एक फेलियर की तरफ बढ़ता जा रहा है, वहां पे मैं बात कर रहा हूं एक नए प्रोजेक्ट की, आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो उसका रीज़न है एक। ओवर द ईयर्स अगर आप स्टडी करोगे कमर्शियल मार्केट को तो लीजिंग में जो है वो ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। जो बिल्डर एग्रेसिवली एक अपनी टीम लेके अपने प्रोजेक्ट के लिए लीज कर रहा था, ब्रांड्स उस प्रोडक्ट के अंदर चले गए हैं। उसका रीज़न है, जब कोई भी ब्रांड किसी बिल्डर के थ्रू अप्रोच करता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो बिल्डर के पास लिवरेज होती है कुछ चेंजेस करने की रेंटल्स में, प्रॉपर्टी के अंदर। तो कहीं ना कहीं ब्रांड को जहां पहले उसको एक इन्वेस्टर से, एक एंड यूज़र से माथापच्ची करनी पड़ती थी, वो डायरेक्टली बिल्डर के पास जाता है और लेवरेज उसको इस तरह से मिलती है कि कहीं ना कहीं जो उसकी चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो सॉर्ट आउट हो जाती है, वो प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। तो जिन जिन बिल्डर्स की कमिटमेंट अच्छी है लीजिंग की, जिनके पास अच्छी टीम्स है, उन बिल्डर्स के प्रॉपर्टीज आज भी लीज आउट हो रहे हैं, उसके अंदर लोगों को अच्छा रेंटल्स मिल रहा है, अच्छा रेंटल अचीव किया है और साथ ही साथ जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन आपका लोकेशन के साथ साथ मैटर करता है अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छे ब्रांड को लीज आउट हुई है। बात करते हैं जब हम AIPL की, तो AIPL स्टार्ट हुआ था 1991 में। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो AIPL के बारे में जानते होंगे और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो AIPL के बारे में नहीं जानते कि ये इतना पुराना ग्रुप होकर, ऑलमोस्ट 30 से 32 साल पुराना डेवलपर होकर मार्केट में इसकी इतनी नाम नहीं है, इतना इसके बारे में लोग क्यों नहीं जानते। उसका रीज़न ये है कि इनिशियली जो AIPL स्टार्ट हुआ था उसने जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई हैं दिल्ली के अंदर, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, इसके पास 8 से 10 बिल्डिंग्स है जिसमें आपके रेडियो मिर्ची जैसे टेनेंट्स बैठे हैं, वो सारी जो बिल्डिंग्स है वो ओन्ड करता है AIPL, उसमें से रेंटल इनकम उसको आती है। उसके बाद जो उसने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, खन्ना में भी इसने प्रोजेक्ट बनाए हैं, पंजाब के अंदर अमृतसर में बनाया है, राजस्थान में उदयपुर के अंदर इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, एक मॉल है, साथ ही साथ नोएडा के अंदर भी इन्होंने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाई है, गुड़गांव के अंदर इनके 4 से 5 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। उसके बाद भी आप इनके बारे में ज़्यादा नहीं सुनोगे। उसका रीज़न ये है कि AIPL का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यार हम अपना काम करके दिखाएंगे, वी विल यू नो डिलीवर अ क्वालिटी प्रोडक्ट, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा और कहीं ना कहीं जो रेफरल होते हैं AIPL के अंदर आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसी वजह से आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनकी प्रॉपर्टीज़ ज़रूर विजिट करें। रिटेल में जब मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट की, तो आप इनका प्रोडक्ट है AIPL जॉय स्ट्रीट, आप एक बार उसको विजिट ज़रूर करें। उसमें आपको पता चलेगा कि AIPL की जो कमिटमेंट है लीजिंग की वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ऑल दो दे डोंट प्रोवाइड यू एनी लीजिंग गारंटी के फॉर एग्जांपल कि जी मैं इतने रुपीस की आपको लीज गारंटी दूंगा फॉर दिस काइंड ऑफ पीरियड, दे प्रोवाइड लीज असिस्टेंस, लीजिंग राइट डेवलपर के पास रहेंगे, ऑन एक्चुअल जो लीज होगी उस पे अच्छे ब्रांड चढ़ा के वो आपको प्रॉपर्टी लीज आउट करके देंगे, इसकी वो आपको गारंटी देते हैं। आप इनकी कोई भी प्रॉपर्टी उठा के देख लीजिए, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जब हम आते हैं तो गिनती की 2-3 प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर ढंग की लीज हो। भारतीय वर्ल्ड मार्क एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको यहाँ का एक लैंडमार्क प्रॉपर्टी कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि पूरे की पूरी जो प्रॉपर्टी है वो भारती के पास है, भारती ग्रुप के पास है, एयरटेल के पास है, उसमें उन्होंने एक भी इंच नहीं बेचा, इसलिए वो प्रॉपर्टी लीज आउट हो गई।
उसके बाद आपका आता है M3M अरबाना। आज की डेट में भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% दुकानें उसके अंदर खाली है, फ्रंट की दुकानें और थोड़ी सी अंदर की कॉरिडोर की दुकानें छोड़कर सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर खाली है, क्योंकि डेवलपर का जो कमिटमेंट है लीजिंग के लिए उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और साथ में ही जब आप जाते हो AIPL जॉय स्ट्रीट, जो कि आपका 2 से 2.5 साल पहले उन्होंने लीजिंग स्टार्ट की थी, लेकिन बीच में अनफॉर्चुनेटली कोविड आने की वजह से लीजिंग में काफ़ी उनको प्रॉब्लम हुई, हिंड्रेंस हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप वहां पे जाओगे तो आप देखोगे प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% लीज्ड आउट है। साथ ही साथ AIPL की जो एक अच्छी चीज़ है वो है इनका इम्प्रोवाइजेशन। अपने प्रोडक्ट के लिए ये इतनी ज़बरदस्त कमिटमेंट रखते हैं कि अगर इनको लगता है कि यार जिस तरह से हमने मार्केट को बेचा था, जिस तरह से हमने प्रॉपर्टी को सेल आउट किया था, उस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता जा रहा है, तो वो इम्प्रोवाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल AIPL जॉय सेंट्रल, जिसमें उन्होंने सेकेंड फ्लोर जो था उसमें अगर आपको याद हो तो फ्लिया मार्केट करके बेचा था कि उसमें वो उस तरह के ब्रांड्स लाएंगे जो आपके फीमेल ब्रांड से रिलेटेड शॉप्स उसमें खुलेगी, लेकिन उन्होंने देखा कि यार इस तरह से जो ब्रांड्स है वो जो सीनेरियो वो सारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो उन्होंने उसको इम्प्रोवाइज़ करके उसमें इन्होंने ब्रीवरी कर दिया, रेस्टोरेंट कर दिया, और उसमें बहुत ही अच्छा रेंटल इनको मिला है। जो रेंटल इनको दूसरे ब्रांड से मिल रहा था जिस तरह से इन्होंने बेचा था, उससे लगभग लगभग डबल रेंट उनको अचीव हुआ है। तो जिस तरह से इम्प्रोवाइजेशन AIPL ने किया है, तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप है, जो AIPL कंपनी है, वो लीजिंग के लिए बहुत सीरियस है। जो बिल्डर लीजिंग के लिए सीरियस है, अगर उसकी प्रोजेक्ट, अगर उसकी प्रॉपर्टी मेन लोकेशन से हट के अंदर भी है ना, वो प्रॉपर्टी लीज्ड आउट है, अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन कमांड करती है, अच्छी लीजिंग रेंटल जो आपके एप्रिसिएशन है वो कमांड करती है। तो AIPL इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन कमर्शियल मार्केट। उन्हीं का ही एक प्रोजेक्ट आने वाला है सेक्टर 88 में, जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल आपकी रिटेल प्रोजेक्ट है, प्रॉपर रिटेल प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 10.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। और जो डेवलपर का जो एक एंटिसिपेशन है, जो डेवलपर का एक कॉन्सेप्ट है, जो एक उनके माइंड में थॉट प्रोसेस है, वो ये है कि जैसे गुड़गांव के अंदर आपका एम्बियंस एक डेस्टिनेशन मार्केट है, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़े ब्रांड इसलिए अप्रोच हुए क्योंकि उसमें एरिया बहुत बड़ा था, एक बड़ा एरिया एक ब्रांड को मिल जाता है, कुछ लेवरेजेस मिल जाती है उनको, बहुत सारी पार्किंग फैसिलिटीज मिल जाती है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो एक डेस्टिनेशन मॉल बन जाता है। दूसरा एग्जांपल आप देखोगे तो रीच एरिया मॉल है सोहना रोड पे, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, बहुत लोगों ने आप में से विजिट की होगी, बहुत लोगों ने नहीं की होगी, लोकेशन अंदर जाके है, लेकिन अगर आप वहाँ पे ब्रांड्स देखोगे तो एम्बियंस के बाद अगर गुड़गांव में कहीं अच्छे ब्रांड्स हैं आपको रीच एरिया के अंदर मिलेंगे। क्यों आपको उसके अंदर ब्रांड्स मिले? क्योंकि रीच खुद में एक बहुत बड़ी लीजिंग कंपनी है, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को लीज आउट कर दिया। तो AIPL भी उसी कैटेगरी की कंपनी है। लोकेशन सेक्टर 88 बहुत ही शानदार है, 150 मीटर का जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, जो कि आपका द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है एक साइड से, दूसरी साइड से आपको पटौदी रोड से न्यू गुड़गांव से कनेक्ट करता है। सराउंडिंग की मैं बात करूं तो बिल्कुल इसके अपोजिट में आपको स्मार्ट वर्ल्ड और M3M की जो एक लो राइज फ्लोर की टाउनशिप आई थी, 50 से 60 एकड़ की टाउनशिप है, वो आपको मिलती है, सिग्नेचर की प्रॉपर्टीज आपको मिलती है, गोदरेज के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, SS के वहाँ पे 2-3 प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उसके अलावा भी जो वाटिका की टाउनशिप। सिंस AIPL इज प्रोजेक्टिंग इट एज अ डेस्टिनेशन मॉल, तो इसका प्राइमरी जो कस्टमर बेस रहेगा वो आपका न्यू गुड़गांव का भी रहेगा, आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का भी रहेगा, क्योंकि इस तरह की मार्केट अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी मार्केट वहाँ पे है नहीं, और जिस कॉन्सेप्ट के साथ ये आ रहे हैं दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन मॉल इन गुड़गांव। ग्राउंड फ्लोर पे अगर मैं बात करूं तो इनके 550 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड से आपके साइजेस शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर की मैं बात करता हूं तो 450 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाते हैं, सेकंड फ्लोर भी आपके यही साइजेस है। प्राइसेस की मैं अगर बात करूं तो जो उस लोकेशन पे दूसरे डेवलपर्स प्राइस ला रहे हैं उससे बेटर इनके प्राइसेस मुझे लगे हैं, और जिस तरह से इनकी लीजिंग कमिटमेंट रहती है वो कहीं ना कहीं दूसरे बिल्डर से AIPL को एक स्टेप आगे रखती है। साथ ही साथ इसमें आपको एश्योर्ड रेंटल का भी बेनिफिट मिलता है, तो जो पेमेंट प्लान्स है इसमें वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, कस्टमाइज किए हैं 2 से 3 पेमेंट प्लान, सो दैट के इन्वेस्टर्स हों, एंड यूज़र हों, उनको कहीं ना कहीं पेमेंट में लिवरेज मिल सके। अपने आप में बहुत ही अच्छी लोकेशन है, कैचमेंट मैंने आपको बता दी, लोकेशन मैंने आपको बता दी,
बिल्डर्स की रेपुटेशन, बिल्डर की प्रोफाइल मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया। जो भी और इन्फॉर्मेशन रहती है, पेमेंट प्लान, प्राइसेस क्या है, क्या यहाँ पर आपके जो एप्रिसिएशन रहने के चांसेस है, वो सारी चीज़ें जानने के लिए और इसमें कैसे आपको आगे बढ़ना है, एक बार आप साइट विजिट पे आना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे नंबर्स पे विच आर मेंशनड ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन, उस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस अबाउट दिस प्रोजेक्ट इन द डिटेल। सो इट वाज ऑल अबाउट AIPL's न्यू कमर्शियल लॉन्च इन सेक्टर 88। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।